आज मैं लेके आई हूँ कोरियन रेसिपी। तो देख, हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ही होंगे। तो देखिए, किमची बनके हो गया है तैयार। अब थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सफ़ेद तिल, इसका टेस्टी बहुत अच्छा आता है। हमने ले रखी है पत्ता गोभी, इसको कट करते हैं। डंठल हमने इसका निकाल दिया है, पत्ते साफ करके छील लिए हैं और पत्ता गोभी को हमने धो लिया है। बीच में से गोभी को कट करेंगे, देखिए, तो इसका बीच में से डंठल भी निकाल देंगे, ये देखिए, और ऐसे बीच में से कट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको खोलेंगे। अब ले रखा है हमने नमक, तो देखिए नमक हमको ज़्यादा चाहिए। इनके ऊपर से ऐसे ऐसे करके इसको छिड़क देंगे। पत्तों के बीच बीच में हम नमक भरेंगे। नमक भर के क्या होता है, सॉफ्ट होना है इसको। तो देखिए पत्ता गोभी के बीच में हमने खूब सारा नमक डाल दिया है सॉफ्ट करने के लिए। 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे, फिर दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए प्याज और लहसुन काट लेते हैं। अब ले रखे हैं मैंने 3-4 प्याज और लहसुन, छील लेंगे लहसुन को। लहसुन और प्याज मैंने छील लिया है, अब इसको हम कट करेंगे 2-3 टुकड़ों में। लहसुन को भी काट लेंगे 2 टुकड़ों में। तो देखिए पत्ता गोभी में कितना पानी छूट गया है नमक का। तो अब हम थोड़ा सा इनको खोल लेंगे ऐसे करके। एक एक पत्ता करके हम अलग कर लेंगे इसमें। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया। अब डाल देंगे हम उबला हुआ पानी इसमें। पानी डाल के थोड़ी देर और छोड़ेंगे हम इसको 5 मिनट के लिए। अब रख देते हैं ढक के। अब करते हैं दूसरी तैयारी। अब जल गई है आग, चढ़ाते हैं चूल्हे में कढ़ाई। इसमें डालेंगे पानी 1 गिलास। पानी को गर्म करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। पानी खोल गया है। अब ले रखा है हमने चावल का दरदरा आटा, इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और ऐसे चलाएंगे, अच्छे से इसको पकाएंगे और गुठलियों को होने नहीं देंगे, तोड़ देंगे गुठलियों को। अच्छी तरह पकाते हैं इसको, एक उबाल लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। चावल का आटा हमारा कितने बढ़िया करके पक गया है, ऐसे ही पकाना था हमने। देखिए बिल्कुल लई जैसा हो गया है, एकदम पक चुका है। अब हम इसको निकाल देते हैं, ठंडा करते हैं, फिर दिखाते हैं। अब ले रखा है मैंने लहसुन और प्याज, जो हमने चावल का आटा पकाया था इसमें डाल के इसको कर लेते हैं ग्राइंड, अच्छे से पीस लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। लहसुन और चावल का मैंने बना दिया है पेस्ट। तो देखिए कितना बढ़िया हो गया है। मिक्सी में आप बारीक भी पीस सकते हो। तो बनाते हैं आप रेसिपी अपनी। अब करते हैं कोरियन किमची बनाने की तैयारी। सबसे पहले डालेंगे इसमें हम चिल्ली फ्लेक्स 1 चम्मच भर के, चटपटा बनाने के लिए। अब थोड़ा सा लेंगे लाल मिर्च पिसी हुई। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब डालेंगे हम इसमें सोया सॉस 3 चम्मच। अब अच्छे से करते हैं इसको मिक्स, बढ़िया करके। बन गया हमारा किमची मसाला चटपटा सा, देखिए कितना शानदार, वाह, स्पाइसी बिल्कुल। तो ऐसी स्पाइसी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो बना पत्ता गोभी हो गई हमारी सॉफ्ट, देखिए कितनी बढ़िया। अब इसको धोते हैं हम 3-4 पानी से, ठंडे पानी से, तो दिखाते हैं आपको। तो नमक का पानी हम सब फेंक देते हैं। अब 3-4 पानी इसको धोएंगे साफ करके। गोभी के पत्ते भी साफ हो गए, कीड़े वीड़े भी मर जाते हैं अगर कोई पत्ता गोभी में कीड़ा होता है तो। अब कोई टेंशन नहीं है, बनाओ किमची बढ़िया करके। अब पत्तों को हम डाल देंगे इसमें मसाले में। अब करते हैं इसको अच्छे से मिक्स। देखिए हमारी कोरियन रेसिपी तैयार हो चुकी है, क्या बढ़िया, लाजवाब। अब इसमें आप कोई सा भी फल डाल सकते हो, हम डाल देंगे। किमची बन के हो गया है तैयार। अब थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सफ़ेद तिल, इसका टेस्टी बहुत अच्छा आता है। कैसी लगी आपको कोरियन रेसिपी? किमची 1 हफ्ते के लिए भी रख सकते हो फ्रिज में, ख़राब नहीं होती है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई ये रेसिपी, आपको भी पसंद आएगी, ज़रूर इसको घर पर बनाना। कोरियन के फैन कौन कौन है जल्दी से कमेंट करो और ये रेसिपी बनाओ।